कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हवानियत के बाद मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि सरकार सभी को सुरक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सदस्यता अभियान को लेकर करोड़ों की संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसके साथ युवा शक्ति को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारे जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पर हम सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार व्यवस्थाएं बना रहे हैं। चाहे हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सीसीटीवी कैमरा हो या अन्य उपकरण हो, उनका उपयोग कर रहे हैं। हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको और ज्यादा प्रशिक्षित करके उनको तत्परता से काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा संस्थान, हमारे चिकित्सा शिक्षा संस्थान भी सुरक्षा पर अभी सुदृढ़ बने हैं, और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी तो वो भी जरूर करेंगे। देखिए, जब करोड़ों की संख्या में पूरे देश वर्ष के अंदर सदस्य बन रहे हैं, लाखों की संख्या के मध्य प्रदेश में हम प्रतिदिन बना रहे हैं सदस्य, ऐसे में कुछ छुटपुट इस तरह की इक्की दुक्की कुछ जो कांग्रेस की नियोजित रखती है हमें, ऐसे कुछ बातें कहना कांग्रेस की हताशा और निराशा का प्रतीक है। बिल्कुल, देखिए, एक मेरे मन में ऐसा था कि जो युवा शक्ति है उसको समाज की सेवा के लिए लगा जाए, और समाज और सरकार जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे। उसी दिशा में ये मैंने एक योजना बनाई है कि जो हमारे ऐसे नौजवान हैं जो सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहते हैं, उनको अवसर प्राप्त हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले की प्राचीर से बोला था कि ऐसे 1,00,000 नवयुवक हम तैयार करेंगे जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हों जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, और ऐसे नवयुवकों को भी तैयार करने की दिशा में जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्वप्न देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये इंटर्नशिप भी उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है।